हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइज। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप सभी रेलवे यात्री जो है वो कुछ टाइम पहले जो है लॉकडाउन से पहले उन्होंने रेलवे से जो टिकट उन्होंने बुक की थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन टिकट करते हैं, बहुत सारे लोग जो आज भी है जो वो टिकट काउंटर से जाकर टिकट यहाँ पे करते हैं, रिजर्वेशन वगैरह वहाँ पे करते हैं। तो आज की वीडियो में सारा कुछ फुल डिटेल साथ में बताने वाला कि अगर आपने भी टिकट काउंटर से जाके टिकट लिया है या फिर आपने टिकट काउंटर से जाके आपने रिजर्वेशन कराया है, तो क्या आपको जो भी आपकी जर्नी डेट थी जो इस लॉकडाउन के पीरियड में आ रही थी, तो क्या आपको टिकट का पैसा जो है रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको क्या आपको प्रोसेस करनी है कि आपको जो टिकट आपको रखनी है या फिर आपको उस टिकट के आपको कैंसिल कर देनी है। तो आज की वीडियो में सारा कुछ फुल डिटेल सब मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो का आप नॉलेजेबल होने वाला, वीडियो का आपको एंड तक देखो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ऑल पर सेलेक्ट कर लो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो है रेलवे जो है वो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, यहाँ पे किसी भी तरह की रेलवे जो है वो ट्रेन वगैरह नहीं चल गई है, ट्रेन जो है वो पूरी की तरह से है वो रद्द कर दिया गया है यहाँ पे लॉकडाउन के पीरियड में। हालांकि जब तक यहाँ पे इसकी कोई सुनवाई नहीं हो जाए, जब तक इसकी मीटिंग वगैरह नहीं होती कि रेलवे जो कब से स्टार्ट होने वाला है, ट्रेन वगैरह चलना कब से स्टार्ट हो जाएगा, तब से है जो आपकी कोई भी नया बुकिंग आपसे नहीं लिया जाएगा और कोई भी जो है नया बुकिंग वहाँ पे टिकट की जो है नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की ये सवाल है कि यहाँ पे जो लोग जो है वो टिकट काउंटर से जाके जो अपनी जो टिकट को उन्होंने बुक किया था और उनकी जर्नी डेट जो है इस लॉकडाउन के अंदर ही थी, तो यहाँ पे जो है उन सभी को रिफंड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप सबको मैं क्लियर है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक किए थे उन सभी के जो पैसे जो है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन टिकट आप बुक करते हो तो यहाँ पे आप जो किसी न किसी आप एटीएम के थ्रू ही आप पेमेंट करते हो, जैसे कि यहाँ पे डेबिट कार्ड से आप उपयोग करके आप पेमेंट किए होंगे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आपने पेमेंट किया होगा, या फिर आपने किसी फोनपे वगैरह या फिर किसी तरह का अपने वॉलेट को उपयोग करके आपने पेमेंट किया होगा, जैसे कि यहाँ पे पेटीएम को पेटीएम से आपने पेमेंट किया होगा, गूगल पे से आपने टिकट को बुक किया होगा, फ़ोनपे से अगर आपने टिकट को बुक किया है, तो यहाँ पे जो है आपको रिफंड जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने टिकट काउंटर से जाके अगर आपने टिकट बुक किया है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक छोटा सा आपको काम करना है, आपको टिकट को आपको कैंसिल नहीं करना है। अगर आपका PNR नंबर जो आपके टिकट में अवेलेबल है, उस PNR नंबर के अगर आप चेक करते हो, अगर वहाँ पे भी कैंसिल स्टेटस भी अगर आपको शो होता है, तो फिर भी आपको जो टिकट को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टिकट को आपको बचा के रखना है, क्योंकि वही टिकट जो है ना वो आपको जो आपका रिफंड मनी जो है वो आपको मतलब दिलाने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे रेलवे ने एक अपडेट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जो भी ट्रेन वगैरह जो कैंसिल किए गए हैं, तो ये जो है जब भी कोई नई सुनवाई आएगी कि रेलवे कब से जो स्टार्ट हो जाएगा, तब जो है आपको रिफंड मिलेगा। तो आप रिफंड कैसे मिलेगा, तो सिंपल सा है, आपके पास जो भी आपके काउंटर टिकट है, तो आप उस काउंटर टिकट को आपको संभाल के रखना है। जब भी वो रेलवे स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका जो काउंटर टिकट है वो आपको काउंटर पे जाके आपको दिखाना पड़ेगा, और वहाँ पे जब से ही आप दिखाओगे तो वहाँ पे काउंटर वाले जो है वो आपके जो भी आपके अमाउंट से वो आपको अमाउंट जो है वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम है कि आपको जो टिकट है वो आपको आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको रिफंड मिलने वाली है। और बहुत लोग की ये भी क्वेश्चन आ रही थी कि भाई मैंने जो है टिकट जो है मैंने काउंटर से लिया है, लेकिन मैंने पेमेंट जो है मैंने डेबिट कार्ड को उपयोग करके मैंने वहाँ पे पेमेंट किया था, तो वहाँ पे भी उस केस में भी ऐसा होगा कि उस केस में जब भी आपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आपने अगर काउंटर पे जाके भी अगर आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको पेमेंट जो है आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड में है जो वो क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे बस प्रॉब्लम यही आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग जो ये पूछ रहे हैं कि भाई मैंने टिकट मैंने फेंक दिया है, क्योंकि यहाँ टिकट जो है वो दिन पे दिन जो है वो रेलवे की तरफ से जो कैंसिल हो रहे हैं। आप जो है अपने से कोई भी टिकट को आप कैंसिल मत करना, जब भी आपके PNR स्टेटस जो भी आपको बता रही है वो PNR स्टेटस अगर कैंसिल भी हो गई है, तो आपको आपका टिकट नहीं फेंकना है, आपको टिकट को जो है वो संभाल के रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सा बात ये निकल के आती है कि अगर आपके पास भी रेलवे का जो काउंटर टिकट अगर आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको जो उस टिकट को यहाँ पे आपको संभाल के रखना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग की कमेंट आए थे, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई रेलवे की जो मैंने जो काउंटर टिकट मैंने ली है वहाँ पे मैंने कैश देखे, तो वो क्या मेरे पैसे जो है वेस्ट हो गए, यहाँ पे मेरे को रिफंड कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदे ऑनलाइन प्रोसेस करके जो ऑनलाइन टिकट करते हैं IRCTC का उपयोग करके वहाँ पे टिकट काउंट जो कट करते हैं, तो वहाँ पे उनके पेमेंट जो है वो उनके ATM में जो भी जैसे वो पेमेंट करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड का उपयोग करके वो पेमेंट करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके वो पेमेंट करते हैं, या फिर किसी वॉलेट से वो पेमेंट करते हैं, जैसे कि पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे वगैरह का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे जो रिफंड जो है वो उनके बैंक अकाउंट में तो वहाँ पर सीधा सीधा जो क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जो बंदे जो है वो
काउंटर पे जाके काउंटर टिकट लेते हैं और वहाँ पे वो कैश देते हैं, तो वहाँ पे कैश के लेन देन जो होती है हाथों हाथ होती है, तो उस टाइम पे वो रिफंड कैसे मिलेगी? तो उस टाइम पे मैंने सिंपल सा मैंने बता दिया है कि आपके पास जो भी काउंटर टिकट है आपको उसको संभाल के रखना है अपने साथ, और यहाँ पे जो है उसको आप जब भी यहाँ पे जो इसका अगला आदेश आ जाएगा कि रेलवे कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे सिंपल सा आपको टिकट जो है आपको काउंटर पे शो करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है आपको जो पैसे देना है वो आपको जो है रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अनबॉक्सिंग की वीडियो पर चैनल पर लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।